हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कंपाउंड वीव्स कैसे बनाते हैं। इसलिए हम पहले जाएंगे वीव एडिटर में और क्रिएट करेंगे वीव्स, कंपाउंड वीव्स कैसे क्रिएट करते हैं, रेशियो में भी कैसे क्रिएट करते हैं वीव्स। देखिए, ये अपना वीव एडिटर है, तो हम पहले इसको अपना वार्प और वेफ्ट के हिसाब से इसको टेबल को सेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, चेंज टेबल साइज, यहाँ पर नंबर ऑफ वार्प्स एंड नंबर ऑफ वेफ्ट्स लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं सिंगल वार्प एंड सिंगल वेफ्ट में वीव कैसे डालते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं वन वार्प टू वेफ्ट में वीव कैसे डालते हैं। देखिए, सिंगल वार्प सिंगल वेफ्ट में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आप वीव बना सकते हो, या यहाँ पर बेसिक वीव्स कुछ है, यहाँ पर आप शो कर सकते हो प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप जो जहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ का वीव आ जाएगा। ये सारे वीव्स कुछ निड्रॉफिस के अंदर है, बेसिक वीव्स। और इसके अलावा आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ और मॉडिफाई करना है व्यूज को, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट राइट क्लिक करके एडिट व्यू को एडिट कर सकते हो। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है व्यू का, नंबर ऑफ पिक्स कितना है, नॉर्मली मैं 5 की 16 बनाऊंगा, 16 बनाऊंगा, मैं 16 का 2 मूव बनाऊंगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 16 है, इसको आप ओके कर सकते हो। ये आपका 16 वीव है। ये आपको ट्विल बनाना है, कुछ ट्विल भी बना सकते हो, 2 अप 3 डाउन ट्विल बनाना है मुझे, 2 अप 3 डाउन, ओके। देखिए, 2 अप 3 डाउन, हमेशा रेड कलर जो है अप है, वाइट कलर जो है डाउन है। वीव का वीव में ये मेन चीज है, कलर मतलब रेड कलर मतलब जो भी कलर रहेगा वो अप रहेगा, वाइट कलर रहेगा वो डाउन रहेगा। इस हिसाब से आपको जो वीव बनाना है बना सकते हैं। या आपको 4 की इरेगुलर सेटिन बनानी है वो भी बना सकते हैं। अब टेबल को एडजस्ट करना होगा, ठीक है, जैसे मेरे को ये इरेगुलर सेटिन बनानी है 4x4 की, ठीक है, ये बना सकते हैं। सिंपल वीव है, ये बेसिक वीव्स है। बेसिक वीव में आपको प्लेन बनानी है, प्लेन तो ऑलरेडी टेबल पे है। देखिए, टेबल में आपको प्लेन वीव मिल जाएगा। देखिए, 1 अप 1 डाउन 1 डाउन 1 अप प्लेन वीव। अब जस्ट ड्रैग एंड रैप, इसको ड्रैग एंड रैप करने से व्यू आ जाएगा। अब हम चलते हैं कंपाउंड व्यू कैसे बनाते हैं। कंपाउंड व्यू में हम पहले डिसाइड करेंगे कितना वार्प में बनाना है, कितना वेब में बनाना है। तो मेरे को 1 वार्प बनाना है और 2 वेब में कंपाउंड व्यू बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टेबल पे जाएंगे, चेंज टेबल साइज, नंबर ऑफ वार्प्स 1, नंबर ऑफ वेब्स 2, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर दिस वर्टिकल लाइन इज वार्प, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज वेब्ड, 2 1 2 वार्प ओनली 1, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको वी बनाना है कंपाउंड वी। जैसे 2 वेब चला रहे हो आप, 1 वेब आपको ग्राउंड में दिखाना है, 1 मोटिफ में दिखाना है, तो आप कैसे दिखा पाएंगे उस चीज़ को। 1 वेब अगर 1 वेब आपको ऊपर दिखाना है, 1 वेब उसको नहीं दिखाना है, उस वेब को नीचे दिखाना है, तो कैसे व्यू करेंगे आप। तो उसमें बहुत सारे व्यूज होती है, सारा व्यूज जो बनता है वो बेसिक व्यूज से बनता है। बेसिक व्यूज है,
प्लेन व्हील साटिन, सब ये बेसिक व्यू से ही सारा व्यूज बनते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक साटिन बनाऊंगा, 5 के साटिन बना लिए मैंने। मैंने फर्स्ट वेब को फेस करूंगा। देखिए ये साटिन व्यू है, मैंने क्या बताया अभी, रेड कलर इज अप एंड व्हाइट कलर इज डाउन। कभी भी व्यू में वार्प को ही अप डाउन बोलते हैं, हम वेब को कभी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अप डाउन बोलते हैं। अप मतलब वार्प अप, डाउन मतलब वार्प डाउन। जब वार्प डाउन का मतलब क्या हुआ, वेब अप, ऑलरेडी वेब अप। जब वार्प अप मतलब वार्प अप, इसका मतलब वेब डाउन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये साटीन है, SATEEN साटीन है, इस व्यू को साटीन बोलते हैं। इसमें वार्प का रेड कलर पोर्शन इज रेड कलर पोर्शन कम है, मतलब वाइट कलर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इस व्यू में हम देखते हैं, जब इस व्यू हम डालते हैं तो आपका वेफ्ट मतलब फेस आ रहा है, कपड़े के प्रिंट पे वेब टॉप आ रहा है। वार्प कहाँ जा रहा है, वार्प ओनली डॉट डॉट आ रहा है, इसका मतलब वार्प डाउन जा रहा है, वार्प जो है बैक साइड जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ये फुल टेबल है, ये कंपाउंड व्यू बोलते हैं इसको, यहाँ सिंगल आप व्यू डाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये फर्स्ट वेफ्ट है, फर्स्ट वेफ्ट में हमने बाइंडिंग दे रखा है साटिन व्यू, तो सेकंड वेफ्ट में हमने कुछ नहीं दे रखा है, तो सेकंड वेफ्ट इज एम्प्टी नो। अल्टरनेट पिक में हमने व्यू डाल दिया, मतलब एक फर्स्ट वेफ्ट में व्यू डाल दिया, सेकंड वेफ्ट में व्यू नहीं डाले हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वेफ्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट वेफ्ट वेफ्ट फेस में आ रहा है, वार्प डाउन जा रहा है। ठीक है, अब हमें सेकंड वेफ्ट को इस व्यू में सिर्फ फर्स्ट वेब को हमें दिखाना है, सेकंड वेब को हमने बैक करना है। बैक कैसे करेंगे हम, बैक अब वी एडिट, ये भी साटिन डाल देते हैं, साटिन डालते हैं, साटिन फर्स्ट में हमने साटिन डाल दिया, इसमें साटिन डालते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें रेड पोर्शन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जस्ट अपोजिट फॉर फर्स्ट वेफ्ट। ओके, अपोजिट फर्स्ट वेफ्ट से अपोजिट है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 डाउन 4 अप, वार्प पोर्शन अप है। नेक्स्ट वेब हुक में 1 डाउन 4 अप, मतलब ये सेम है, ये जस्ट रिवर्सेबल है। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वेब जब मैं चला रहा हूँ वेफ्ट फेस में आ रहा है, सेकंड वेब मैं चला रहा हूँ सेकंड वेब बैक में जा रहा है, सिर्फ ओनली वार्प फेस दिख रहा है, वार्प ऊपर आ जाएगा लेकिन बट दिखेगा फर्स्ट वेब। ओके, समझ में आया होगा अभी, मतलब ये इस हिसाब से कंपाउंड व्यूज बनाते हैं, मतलब जो वेफ्ट ये आप मोटिफ में डाल लिया। ठीक है, मोटिफ जो डिज़ाइन के अंदर आपका जो डिज़ाइन है मोटिफ में ये व्यू डाल दिया, उसके बाद ये, उसके बाद इसका रिवर्स बनाएंगे आप, जैसे रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं है, इन्वर्ट कर दो, इसका रिवर्स हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वेफ्ट अप आ रहा है, मतलब कपड़े के फेस पे आ रहा है, फर्स्ट वेफ्ट जो है बैक में जा रहा है। तो इस हिसाब से आप कंपाउंड वीव बना सकते हैं। कंपाउंड वीव में और एक चीज़ है, आप ये 1/2 है, मतलब एक वार्प है 2 वेब्स है, इसमें 2 वार्प्स और 2 वेब में भी बना सकते हैं।
ठीक है। और आपको सेकंड फिंगर को रेशियो में चलाना है, ये फर्स्ट वेप्ट आपको दो बार चलाना है और एक बार ये वेप्ट चलाना है सेकंड वेप्ट को। ये इसलिए काम आ जाता है जब आपको कोर्सर काउंट कोई वेप्ट ले लेते हैं वेप्ट के अंदर कोर्सर काउंट ले लेते हैं। जैसे मान लो आप फर्स्ट वेप में ले लिया 300 डिनियर, सेकंड वेप में आपने ले लिया लगभग 800 डिनियर या 1000 डिनियर, तो आपको काउंट का बहुत वेरिएशन है। आप जैसे इस पिक में चला रहे हो उस पिक में ये नहीं चला सकते, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस कारण क्या करते हैं, रेशियो में बनाते हैं व्यू को। रेशियो में कैसे करते हैं, जैसे आपने टू वेप्ट ले लिया, इसका भी बदलना होता है। फिर देखिए ये एडिट वेप्ट सीक्वेंस है, वार्प सीक्वेंस तो हम एक ही रखेंगे और वेप्ट सीक्वेंस को हम बदल सकते हैं। देखिए 2:1 रेशियो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको देखिए, ये फर्स्ट वेप्ट है 1:2 इसलिए आ रहा है, मैंने फर्स्ट वेप्ट को 1:1:2 लिया है। मतलब फर्स्ट वेप्ट जो है दो बार चलना है मेरे को, सेकंड वेप्ट है एक बार चलना है। इसलिए कि जब रेशियो में इसलिए मैं ले रहा हूँ कि फर्स्ट वेप्ट ये जो है मेरा फाइनर काउंट है और एक कोर्सर काउंट है। कोर्सर काउंट मतलब ये 300 डिनर एग्जांपल, एक ये 300 डिनर है, ये 1000 डिनर है, इस हिसाब से मुझे वीव करना होगा, वीव डालनी होती है। तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पर एडिट सीक्वेंस में, वेप्ट सीक्वेंस में 1:1:2 ठीक है, फर्स्ट वेप्ट और सेकेंड फर्स्ट वेप वीव 13, जो ये थर्ड वेप्ट है ये सेकंड है, सेकंड वीव है। तो इसका इस हिसाब से मैं वीव इसका 10/10 करूँगा, मतलब कोर्सर काउंट है, मैं लूज वीव डालूँगा इसमें। टेन बाई टेन 13 डाल देते हैं, थ्री मूव वाली 13 डाल देते हैं। ये 3 मूव की 10/10 13 है। देखिए ये ऐसे वीव डालते हैं, ये कंपाउंड वीव है, ये 2:1 है, वेप्ट रेशियो 2:1 है। देखिए 2:1 रेशियो है ये, इस हिसाब से आप रेशियो में कंपाउंड वीव बना सकते हैं। अभी मैंने सेकंड वेप्ट को फेस दिखा रहा हूँ, अगर आपको रिवर्स करना है जस्ट इनवर्ट दिस वीव एंड इनवर्ट फर्स्ट वेप, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वेप जो है फर्स्ट वेप का है, ये फेस में आ रहा है, ये जो है बैक में जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप कंपाउंड व्यूज सीक्वेंस में भी बना सकते हो, रेगुलर में भी बना सकते हो, वार्प टू वेप टू में बना सकते हो, वार्प 1 वेप 3 वार्प 2 वेप 3, इस हिसाब से आपका जो क्वालिटी, आपको जो कपड़ा बनाना है फर्निश, ये सारे चीज़ें फर्निशिंग लाइन में यूज़ होते हैं। फर्निशिंग लाइन में इसी हिसाब से, जैसे आप शेनेल फैब्रिक देखते हैं, सोफ़ा फैब्रिक वगैरह, इस रेशियो में ही बनाते हैं वो लोग, क्योंकि शेनेल काउंट जो होता है वो लगभग 1500-1600 डिनियर होते हैं। शेनेल को बोलते हैं NM में काउंट करते हैं, 3 NM 5 NM 4 NM के हिसाब से, बहुत कोर्सर काउंट होता है। कोर्सर काउंट को फाइनर काउंट के साथ चलाना है वेब में, तो ये सीक्वेंस में ही बनानी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमने अभी यहाँ पर 2:1 रेशियो ले लिया, वो लोग 3:1 4:1 तक ले लेते हैं भी रेशियो में भी बनाते हैं, जो रेशियो में भी बनाए या रेगुलर भी बनाए। लेकिन बेसिक वीव तो वही होती है, साटिन फिल प्लेन, यही वीव्स होती है, ठीक है।
इसमें मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको मैं कर लूँ 16 को, अभी ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। इसका बेस जो है 16 है, बस मैंने इसको 12 बना दिया। अगर इसको भी मैं कर सकता हूँ ऐसे कुछ एडिट कर सकता हूँ, वो आपको ध्यान रखना होगा किस हिसाब के फैब्रिक आप बना रहे हो, किस लिए आप फैब्रिक बना रहे हो, उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हो। देखिए ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो, इसी हिसाब से कंपाउंड वीस लोग बनाते हैं फैब्रिक के अंदर। और इसमें यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर के साथ वीव्स आ जाते हैं, रिब हो गया, रिब वीव है, और ये फोर्थ थ्रेड इरेगुलर 16 है, 16 है, ये रिब है, वेब रिब है, रिब। कुछ वीव्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो और खुद आप बना सकते हो। 12 है, 8x8 12 है, 4x12 है, 16। प्लेन मैट प्लेन 8x16 8x16 16x16 13। तो आप इस हिसाब से भी उसको बना सकते हो। और इसमें टूल्स में ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, और आपको इस वीव को आपको बेसिक वीव, एक ग्लोबल वीव बोलते हैं इसको, आपको इसको बेसिक वीव के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक वीव के हिसाब से देखते हैं, एक ग्लोबल ऑप्शंस ग्लोबल वीव, यस। देखिए ये सिंपल बेसिक वीव जैसा हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड वेब को मिक्स कर दिए इसने, ठीक है। आप इसको मेक टेबल वीव दोबारा आप कन्वर्ट कर सकते हो, वन वार्प टू वेब्स, ओके ओके, बट ये बदल गया। आपको यहाँ पर रेशियो देना होगा 1:1:2, इसी हिसाब से आप बदल सकते हो वीव्स को। बेसिक से आप कंपाउंड बना सकते हो, कंपाउंड से बेसिक से ऐसा कुछ बना सकते हो, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस और क्या है, ऐसे जैसे आपने अभी सीक्वेंस में दिया है 1:2, 1:3, ऐसे आपने अभी वेब में दिया हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ पर वार्प में भी दे सकते हो। ये वेब में दिया हुआ है सेम लाइक आप वार्प, ये वार्प एडिट वार्प सीक्वेंस वार्प में भी दे सकते हैं। और आप इसमें और एक चीज है, क्रॉस सेक्शन भी देख सकते हो, अप डाउन कैसे कर रहा है वीव। तो इसमें अभी एरर लॉक आ रहा है, इसमें पॉसिबल नहीं है इस सॉफ्टवेयर में अभी। बस अभी इतना ही है इसमें, आई थिंक मैंने सारा चीज़ें बता दिया कंपाउंड व्यूज के बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आपको कुछ और डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।